हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 14। तो अभी हमने भाग नंबर 13 तक पढ़ा था कि कैसे दो रेखाओं के बीच हम न्यूनतम दूरी वगैरह निकालते हैं और उनके कुछ उदाहरण भी किए थे। चलिए तो आज इसके भाग नंबर 14 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे समतल को। समतल जिसे हम प्लेन भी कहते हैं, तो आज हम प्लेन पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। उसके बाद हम सभी तल का समीकरण भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पहले हम बता देता हूँ समतल क्या होता है। तो देखिए, मैंने मान लो है एक्स वाई और जेड अक्ष मान लिया। मैंने यह माना एक्स, यह माना वाई, इसको माना मैंने जेड। मान लो यह मेरे पास जो भी मान लो तीसरी तीसरी उसमें कोई मतलब तीन जे है हमारे पास, एक्स वाई और जेड अक्ष है। तो उसमें वह केवल एक्स और वाई अक्ष में ही होना चाहिए, जेड अक्ष से उसका कोई संबंध नहीं होनी चाहिए। तो उसको मैं एक समतल में मानूंगा। ठीक है, जैसे यह हो गया, या फिर मान लो मैंने इसको मान लिया, इसका इसका जेड अक्ष से कोई संबंध नहीं होगा, या फिर इसको मान लूंगा। तो इस किसी भी एक चीज को मान लीजिए जहां पर केवल दो एक्सेस, या फिर जैसे एक्स और वाई भी होनी चाहिए, या फिर वाई जेड ही होनी चाहिए, या फिर एक्स जेड ही होनी चाहिए, केवल दो अक्ष ही उसमें आने चाहिए, तो उसे हम एक समतल मानेंगे। जैसे मान लो मैंने कॉपी मानी, कॉपी मानी तो आप देख सकते हैं इसमें ऊंचाई में नहीं मानूंगा, ऊंचाई जितनी आपको दिख रही है उतनी आप छोड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर जो भी मेरी सपाट चीजें हैं उसको ही केवल मैं समतल या फिर समतल तल मानूंगा। तो ठीक है, तो हम पहले समतल पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। ठीक है, चलिए एक एक करके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समतल जिसे हम प्लेन कहते हैं उसके बारे में। तो एक समतल को अद्वितीय रूप से ज्ञात किया जा सकता है यदि निम्नलिखित में से कोई भी एक शर्त ज्ञात हो। तो एक समतल को हम अगर जैसे हमें तीन शर्तें दी गई हैं उसमें से अगर एक भी शर्त पता होगी तो हम समतल को वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं, समतल का अभिलंब और मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास यह इस तरह से दिया गया है, तो मैं कुछ अच्छे से बनाता हूँ जब आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और मान लो यह है मेरे पास कोई भी समतल। ठीक है, इसका कोई भी समतल मुझे यहाँ पे बना दिया गया है। ठीक है, मैंने कोई भी समतल बना लिया। सॉरी, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लो कोई भी समतल बना दिया। तो इस समतल से मान लो यह मूल बिंदु मैंने मानी O, जो भी हो जाएगी 0, 0, 0। तो उस मूल बिंदु से उस समतल की दूरी मुझे ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, समतल का अभिलंब, अभिलंब क्या होता है? अभिलंब होती है समतल के ऊपर। जैसे मान लो मेरे पास एक समतल दिया गया, तो उसके ऊपर वाली मुझे सदिश प्राप्त होनी चाहिए, यह सदिश प्राप्त होनी चाहिए और मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात है, अर्थात अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। तो हम अभिलंब रूप में समतल का समीकरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली यह चीज हो गई। अब हम दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी है, यह एक बिंदु से गुजरता है और दी गई दिशा के लंबवत है। ठीक है, तो यह एक बिंदु से गुजरता है और दी गई दिशा, जो भी हमें दिशा दी गई है उसके लंबवत है। जैसे मान लो यह दिशा दी गई है तो उसके लंबवत है। ठीक है, ठीक है, यह दिए गए तीन असंख्य बिंदु से गुजरता है। अब हम समतलों की सदिश और कार्तीय समीकरण को प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, पहले हमें दिया गया है तीन अवरेख बिंदु से गुजरता है। असल ये क्या होता है कि मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन में नहीं आ रही हैं। ठीक है, यह नहीं आ रही है बनना समतल। मान लो यह मान लो एक उंगली पर मेरी तीनों बिंदु आ रही हैं एक ही लाइन में, तो समतल कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ मतलब कहीं भी घूम सकता है, लेकिन वो बिंदु तीनों को ले लिया। तो वह क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु हमारे पास यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो वह किसी भी साइड घूम नहीं सकता। तो वह समतल कुछ ऐसा ही इसी में होने वाला है जहाँ पर वह तीनों बिंदु उसी के अंदर आएंगे। तो तीन बिंदु अगर असरेख बिंदु हमें दी गई है जो कि उस प्लेन से नहीं गुजरते, मतलब कि तीन असरेख बिंदु से गुजरता है अगर वह समतल या फिर वह प्लेन, तो हम उसकी
अद्वैत रूप को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। तो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, जिसे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं एक एक करके। एक समतल पर विचार कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी डी और डी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, मान लो यह मैंने एक समतल मान लिया है, एक ऐसे समतल मैंने माना। ठीक है, इसकी मूल बिंदु देखिए, मैंने यहाँ पर भी ओ मानी है। मूल बिंदु ओ से इसकी लंबवत दूरी कितनी है, डी। देखिए यहाँ पर डी सदिश मैंने मान ली है। ठीक है, और डी 0 के बराबर भी नहीं। आकृति 11.10, 11.10 में मैंने समझा दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं, यदि ओ एन, ओ एन मुझे क्या दिया गया, ओ एन है मूल बिंदु से तल पर लंब है। मूल बिंदु से तल पर जो भी लंब है वह मुझे ओ एन दिया गया है। और पी क्या है, पी बिंदु है एक्स बाई जेड, जो कि समतल पर मुझे कोई बिंदु जो पता है उसे पी बिंदु है, जो है अपनी एक्स बाई और जेड। ठीक है, और उसके बाद हम आगे देखते हैं। ओ एन अनुदिश एन जेड, एन कैप मात्र सक अभिलंब सदिश है। ठीक है, मात्र अभिलंब सदिश क्या कहते हैं, तो देखिए मेरे पास यह एक प्लेन दिया गया है, इसके ऊपर जिस मान लो एक प्लेन दिया गया है, तो इसके जस्ट ऊपर जो हमें सदिश दी गई है उसे हम एन कैप सदिश कहते हैं। तो देखिए इसे एन कैप समतल के अभिलंब इकाई सदिश है। ठीक है, तो भी हमारे पास समतल दिया गया, उसके अभिलंब में इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होती है, जिसका परिमाण एक होता है। ठीक है, तो हमें समतल के अभिलंब में इकाई सदिश भी एन कैप दी गई है। तो ओ एन क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा डी एन कैप। ठीक है, पहले मुझे ओ एन दिया गया है, ओ एन और डी। ठीक है, डी का एन कैप, एन कैप देखिए ओ एन मेरी लंबता है प्लेन तक, लेकिन उसी लंबता में एक और जो उसके ऊपर सदिश जा रही है वो एन कैप है। डी और एन कैप को मैं ओ एन सदिश मान सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि समतल पर कोई बिंदु P है। समतल पर कोई बिंदु P मैंने पहले ही बता दिया है, जो कि P बिंदु है, इसलिए NP डॉट ON पर लंब है। ठीक है, इसका मैं सीधे सीधे बताना चाहता हूँ, कहने की कोशिश क्या करते हैं। पहले देखिए, चाहे मुझे एक प्लेन दिया गया है और इसके ऊपर लंबता सदिश एक दी गई है। ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पर P दी गई है, तो यहाँ से मैं यह निकाल दूंगा और एक लंबवत सदिश निकाल दूंगा। तो आपको पता ही होगा कि एक बिंदु ऐसी जा रही है और जो प्लेन है उस पर एक बिंदु ऐसे आ रही है। तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में इसका कोण 90 होने वाला है। जब 90 कोण होगा तो आपको पता होगा, बस आपको अब यह चीजें सीधी सीधी अल्लाह मुंह पे आ ही जानी चाहिए। 90 कोण होगा तो हम क्या लगा सकते हैं कि इन दोनों का जो भी अदिश गुणनफल होता है वह 0 होता है। ठीक है, तो अदिश गुणनफल को हम 0 के बराबर कर देंगे और हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा। ठीक है, तो अतः एनपी डॉट ओ एन सदिश 0 के बराबर है। मैंने बता दिया कि एनपी सदिश जो कि हमें दी गई है समतल पर एक सदिश, और ओ एन हमें दी गई है इसके लंबवत सदिश, जिसे हम अभिलंब सदिश भी कहते हैं वो। तो इन दोनों का जो भी अदिश गुणनफल होगा वह 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए पी की स्थिति सदिश आर है, पी की स्थिति सदिश हमें आर दी गई है, तो NP बराबर हो जाएगा, मुझे NP बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस का डी एन कैप, क्योंकि ओ एन प्लस एन पी हो जाएगा ओ पी के बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओ एन दिया गया है और एन पी दिया गया है, इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो वह हो जाएगा ओ पी के बराबर। ठीक है, तो ओ पी के बराबर हो जाएगा। यह मैंने यहाँ पे जो भी त्रिभुज लो होता है, जो कि आपने सदिश बीजगणित में इसे पढ़ रखा है, उसका ही मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। इस सदिश को जोड़ दूंगा तो वह इस सदिश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यह आ जाएगा, तो एन पी बराबर क्या आ जाएगा, आर सदिश माइनस का डी एन कैप सदिश। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो इस प्रकार एक का रूप लंबवत आ जाएगा, वह कैसे आ जाएगा, एक सदिश हमारी आ गई थी आर कैप माइनस का डी एन कैप, और दूसरी आ गई थी डी एन कैप। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, इसको मैं चालू कर देता हूँ, और यहाँ से आर डॉट एन, पहले अब हम इसका एक एक करके गुणनफल करेंगे। आर डॉट एन हो जाएगा डी एन एन कैप। आपको पता होगा जब एक के साथ ही हम अदिश गुणनफल कहते हैं तो वह एक के बराबर हो जाता है, तो यह हो जाएगा एक के बराबर। डी को हम जब साइड ले जाएंगे तो यह आ जाएगा आर डॉट एन कैप डी के बराबर।
पे आर क्या है, आर है हमारी वह बिंदु जो कि हमें समतल पर दी गई थी, ठीक है, और एन क्या है, एन है हमारी लंबवत सदिश जो कि हमें, देखिए एक एक करके मैं बताता हूँ, एक है हमारी आर, आर है मेरी वह सदिश जो कि हमें समतल पर दी गई थी, एन है मेरी वह सदिश जो कि प्लेन के 90 डिग्री कोण पर ऊपर की तरफ जाती है फिर नीचे की तरफ जाती है, और ए और डी, डी क्या है हमारी, डी है एक्स के बीच में दूरी, ठीक है, और डी 0 के बराबर नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आर डॉट एन कैप डी के बराबर है क्योंकि एन डॉट एन कैप 1 के बराबर होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ए डॉट ए कैप हमेशा 1 के बराबर होता है, तो एन डॉट एन कैप आप उसी को ए समझ लीजिए तो कहीं बी 1 के बराबर हो जाएगा। यह समतल का सदिश समीकरण है, यहाँ पे समदिश समतल का जो भी सदिश समीकरण है वह हमें पता चल गया है, इसको आपको मतलब याद रख लेना है कि समतल का हम सदिश समीकरण कैसे निकालते हैं, ठीक है। हम देखेंगे उसका तार रूप और उसके बाद हम टिप्पणी देखेंगे और हमारा भाग हम यहीं पे यहाँ पे खत्म कर देंगे, तो ठीक है, अब हम एक तार रूप देखते हैं। तो समतल का सदिश समीकरण है जहाँ एन कैप समतल के अभिलंब इकाई सदिश है, ठीक है, ए मुझे पता है कि जो भी हमारा समतल दिया गया है एन कैप उसके अभिलंब इकाई सदिश, इकाई सदिश मतलब कि उसका परिमाण 1 है, ठीक है। तो मान लीजिए समतल पर कोई बिंदु पी एक्स वाई जेड है, समतल पर कोई बिंदु हमें पी जो कि एक्स वाई जेड दी गई है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ओपी, ओपी क्या आ जाएगा, ओपी था हमारा ए, ठीक है, वो मेरी कोई भी मूल बिंदु थी, मूल बिंदु जब मैं इसको घटाऊंगा तो यह आ जाएगा आर, आर को मैंने क्या मान लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि जब मैं उसको 0 0 0 मैंने मूल सदिश मानी थी तो एक्स में से 0 घटाऊंगा तो एक्स ही आने वाला है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो मान लीजिए एन कैप की दिक कोसाइन एल एम एंड एन है, तब एन कैप बराबर क्या आ जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। अब मैं यह मानता हूँ एन कैप की दिक कोसाइन एल एम और एन है, तो एल रही मेरी एन कैप, तो एन कैप की मैंने दिक कोसाइन क्या मान लिया, एल एम और एन, ठीक है। दिक कोसाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस का एन के कैप, यह मैंने पहले पढ़ रखा है और यहाँ पे हम लिख दिया है, ठीक है। तो आर कैप डॉट एन कैप के मानों को रुपये समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं, देखिए मैंने आर कैप की जगह पे आर कैप रख दिया है और आर डॉट एन कैप के मानों को मैंने रख दिया है, ठीक है। तो आर डॉट एन के मान को मैं जैसे ही रखूंगा तय आ जाएगा, और वह था हमारे डी के बराबर, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों रखा, ठीक है। तो आर डॉट एन कैप था वह डी के बराबर था, तो हम मैंने इसकी जगह पर इसका इसको रख दिया ताकि हमें कार्तीय रूप प्राप्त कर सके हम, ठीक है। सदिश गुणनफल आपको पता ही होगा हम कैसे निकालते हैं, नहीं सदिश नहीं है यहाँ पर देखिए डॉट दिया गया, तो यह हमारा अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल हम कैसे निकालते हैं, आई वाले के साथ गुणा कीजिए, जे वाले का जे वाले के साथ गुणा कीजिए, के वाले का के वाले के साथ गुणा कीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, एक्स और एल वाई और एम जेड और एन, तो आ जाएगा एक्स आई कैप, एक्स नहीं आई वाई तो कट जाएगा, आ जाएगा एक्स और एल, तो इसके बाद आएगा वाई और एम, इसके बाद आएगा एन और जेड, और किसके बराबर आएगा, एस आ जाएगा मैं सीधे सीधे यहाँ से डी के बराबर, ठीक है, वहाँ डी दिया गया है उसके बराबर ये आ जाएगा। तो देख लीजिए यह हमारी सीधी सीधी एक समतल की कार्तीय समीकरण बन चुकी है, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है, अर्थात एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी, यह समतल का कार्तीय समीकरण है। तो आपको बस यहाँ पर समतल का कार्तीय समीकरण आखिर में याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस याद करने वाली चीजें क्या है, बस देखिए सबसे पहले हमारा आर कैप आर बैक आर सदिश डॉट एन कैप बराबर डी, ठीक है। बस आपको इसको ध्यान रखना है कि आर हमारा क्या है, आर यहाँ वहाँ पे है जो भी बिंदु दी गई थी उसकी मूल बिंदु से स्थिर सदिश, और एन कैप क्या है उसकी लंबवत जो कि हमारा समतल दिया गया है उसकी लंबवत सदिश, और डी क्या है, डी है हमारी, देखिए डी हमें दी गई थी यहाँ पर,
आर माइनस का डी एन जो कि हमारी इससे दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डी भी लिख दिया है। ठीक है, तो डी हमें दूरी पता चल गई है, और यहाँ से हमें है इसका जो कि हमें नॉर्मल फॉर्म में इसकी समीकरण थी वो हमें पता चल गए। उसके बाद हमने कार्तीय रूप निकाला, कार्तीय रूप में हमने देखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड जो कि डी के बराबर है, तो इसको भी हमें सीधे सीधे याद रखना है। ठीक है, तो आखिर में जाते हुए हम यहाँ पे एक टिप्पणी को देख लेते हैं। तो समीकरण तीन प्रदर्शित करता है, समीकरण तीन वहां क्या निकला, देखो यह निकला है समीकरण नंबर तीन। यह प्रदर्शित करता है कि यदि आर आर हमें क्या दिया गया है, आर कैप आर सदिश डॉट किसके साथ है, एस ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप बराबर टी, यह एक समतल सदिश समीकरण। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड जो कि हो जाएगा डी, समतल का कार्तीय समीकरण जहाँ ए बी और सी समतल के अविलंब विद्युत अनुपात है। ठीक है, ए बी सी से आप समविलंब के अनुलंब जो कि इसके अविलंब थे ए बी सी, वह हमारे अनुपात आ जाएंगे। ठीक, अनुपात हमारे निकल आएंगे समतल के अविलंब के। ठीक है, तो यहाँ से हमने आर को द्विघात में रखा है, और देखिए जो भी हमारा एन था एन को हमने क्या लिख दिया, एन को हमने लिख दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस का सी के कैप, तो ए आ जाएगा यहाँ पे हमारे समतल के ए बी और सी आ जाएगी मेरी एन की जगह, एन के जो भी हमारे अनुपात आएंगे वह आ जाएंगे ए बी और सी, तो इसको मैंने सीधे सीधे जो ही था फिर एन की जगह पे रख दिया है, भाई डी के बराबर है ही, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड हमारे डी के बराबर था जो कि कार्तीय समीकरण है। और यहाँ फिर हमने यह भी देख लिया कि ए बी और सी समतल के अभिलंब का द्विघात अनुपात। ठीक है, तो हमारी टिप्पणी में बस इतना ही दिया गया है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हम समतल के बारे में पढ़ चुके कि समतल क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि समतल के पहले अभिलंब रूप में समतल का समीकरण निकाला, उसके बाद हमने निकाला उसका कार्तीय रूप में, तो अभिलंब रूप में उसका समतल का समीकरण क्या है, आर सदिश डॉट एन कैप बराबर डी, फिर कार्तीय रूप में क्या आया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी, तो यहाँ पर का जो कि समतल का समीकरण अभिलंब रूप में निकाल लिया, फिर उसका समीकरण हमने कार्तीय रूप में निकाल लिया, दोनों रूप में हम निकाल चुके हैं, इनको आपको याद रखना है। तो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड नॉर्मल फॉर्म, यह हमने आज पढ़ लिया है। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 15, यह तीनों उदाहरण आपके समतल पर ही होने वाले, तो समतल जो कि आज पढ़ा दिया इसमें बस आपको जो भी लास्ट में समीकरण आई है बस उनको याद रख लेना है, उनको याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी हमारे आने वाले उदाहरणों को करने में। तो आगे हम उदाहरण नंबर 13, 14 और 15 पढ़ने वाले हैं जो कि इन्हीं पर बेस्ड होंगे। तो ठीक है, तो बस आज का भाग यहीं पर खत्म करते हैं, धन्यवाद। आप सब अगले भाग में सब कुछ पढ़ के आइएगा, और जो भी मैंने उदाहरण अभी बताए हैं वो सब भी आप उसे एक बार जरूर करके आइएगा, अगर आपसे बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी आपसे खत्म करते हैं, बाय बाय।